एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। केमिस्ट्री किस लेवल पे स्टडी, साइज क्या है? एटम का साइज 10 to the power -10 मीटर होता है और मॉलिक्यूल का साइज इसी को बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, और मॉलिक्यूल का साइज 5 से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। मैटर तो बहुत बड़ा बड़ा है, मैटर तो सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, बहुत लंबा लंबा साइज का हो सकता है। हमको ये बात जान गए हम कि एटम और मॉलिक्यूल जब बहुत छोटा है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो और भी छोटा है। प्रोटॉन का साइज अगर कोई पूछे तुमसे तो प्रोटॉन का साइज 10 to the power -15 मीटर होता है, मतलब प्रोटॉन से भी कितना गुना बड़ा है एटम, 1 लाख गुना। समझ रहे हैं, 1 लाख गुना बड़ा है एटम। हम आज सीखना चाहते हैं इन तीनों को बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल एक तो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है प्रोटॉन, और एक है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, कैसा? है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इसे बोलते हैं -1 और इसे बोलते हैं +1 और इसे बोलते हैं 0। मास भी होता है इलेक्ट्रॉन का, कितना मास होता है पता है? -31 किलोग्राम, और इसका होता है 27 किलोग्राम, और ये होता है 6 तो कितना छोटा मास है ना। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो लगभग लगभग बराबर है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन नहीं, ये दोनों बराबर है ना। देखो 27 27 1.67 तक मैच हो रहा है, पर मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम्स ज्यादा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। 1837 समझ रहे हो? जैसे मान लो कि तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारा वजन 60 kg हो गया है और तुम्हारा छोटा भाई मात्र 15 kg का है, तुम उसको कैसे गोद में उठा लेते हो? कितने गुना का फर्क है बताओ? 4 गुना में जो है तुम उसको अपने कंधे पे उठा ले रहे हो। मान लो तुम्हारा छोटा भाई और छोटा, एकदम छोटा, अभी अभी 6 महीने का है और यह है 3 kg का, तुम उसे कितना गुना भारी हो? 20 गुना। ये 3 kg का बच्चा के सामने तुम्हारा जो वजन है, इससे ज्यादा वजन है क्या इलेक्ट्रॉन के सामने प्रोटॉन का? बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो? मान लो कि तुम अपने वजन से
1837 गुना कम कोई वजन जानना चाहते हो, इसे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 60,000 डिवाइड बाई 1837 कितना हो गया? लगभग लगभग 32 ग्राम होगा। 32 ग्राम का क्या होगा बताओ? पेन होगा 32 ग्राम का। तो पेन के सामने जो तुम्हारा वजन है वैसा ही कंपेरिजन किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास को एक पेन के मास से रिप्लेस कर दें तो प्रोटॉन का मास हमारे मास के बराबर होगा। इतना फर्क है, देखो ना, इससे 1837 गुना बड़ा है और प्रोटॉन से भी इलेक्ट्रॉन कितना बड़ा होता है। क्या पेन का वजन कुछ है हमारे बॉडी के सामने? नहीं है ना। यही से हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझा, इलेक्ट्रॉन का मास के सामने प्रोटॉन का मास देखना हम कंपैरिजन करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक पेन के बराबर रख रहे हैं तो प्रोटॉन एक आदमी के बराबर का वजन है। ये 30 ग्राम के सामने तो 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 60,000 ग्राम होता है। समझ जा रहे हैं? मान लो कि हम इलेक्ट्रॉन की जगह एक आदमी को रखते 60 kg का, तो प्रोटॉन इससे कितना गुना भारी होता है? 1837, 1837 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 6 = 42, 2 और 18 और 20 का 0 2, 48 और 20 = 50 का 5, 11, 11,000 और इसमें एक 0 और लगेगा, 110,000 20 किलोग्राम का वजन होगा प्रोटॉन। 110,000 20 किलोग्राम, समझ रहे हो? 100 kg का 1 क्विंटल होता है और 1000 kg का 1 टन होता है। बेसिकली 110 टन हो जाएगा, समझ रहे हो? हमारे सामने जो 110 टन, एक ट्रक में कुछ 20 टन होता है, 5 ट्रक वजन का जो वजन है हमारे सामने, वैसा ही इलेक्ट्रॉन के सामने कौन है? प्रोटॉन। ये बात तुमको समझ में आ गया क्या कि इलेक्ट्रॉन लगभग कुछ नहीं है प्रोटॉन के सामने? हाँ, चलिए हम यहाँ पे एक बात गहरा समझ गए कि मैटर अगर बना है मॉलिक्यूल से और मॉलिक्यूल अगर बना है एटम से और एटम बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, तो एटम में भी मास है, मॉलिक्यूल में भी मास है और मैटर में भी मास है। ये सब मास किसके वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है कि नहीं? तो कहते हैं मास ऑफ मैटर, मास दिस इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि हमने एक क्वाइन लिया, क्वाइन है 10 ग्राम का, 10 ग्राम का क्वाइन है ना। उस क्वाइन में जो 10 ग्राम मास है, अल्टीमेटली तो एक क्वाइन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है ना। अरे एटम से तो मिलके बना है, तो एटम से मिलके बना है तो किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इसका जो मास 10 ग्राम है किसकी वजह से है, दिस मास इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम बोले कि हम 60 kg के हैं, तो 60 kg किसकी वजह से बना है, दुनिया का हर मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से बना है। बेसिकली ये भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल मिलके 60 kg इकट्ठा हुआ है। कोई पहाड़ है, पूरा का पूरा जो माउंटेन है, माउंटेन का जो मास है ये किसकी वजह से है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पूरा संसार का मास किसकी वजह से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। ये लकड़ी, टेबल, ये बिल्डिंग, ऐसा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से मास रखता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से मास नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका वॉल्यूम है। जैसे कहते हैं मैटर का दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी क्या है मास और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है वॉल्यूम। मास होता है किसकी वजह से, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से। और वॉल्यूम क्या होता है, देखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक छोटे से न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन उसको घेरा लगाया रहता है। अगर ये रेडियस देखेंगे, ये रेडियस अगर 10^-10 मीटर है, तो उसी के अंदर रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये रहता है 10^-15 मीटर, कितना गुना बढ़ गया इससे, 1,00,000 गुना स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर सभी इलेक्ट्रॉन को मैटर से हटा दिया जाए तो 1,00,000 गुना मैटर का साइज घट जाएगा। समझ में आ रहा है तुमको, कहते हैं कि वॉल्यूम बनाने में पूरा योगदान किसका है, इलेक्ट्रॉन का, लेकिन मास बनाने में पूरा योगदान है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। ये बात तो तय हो गया कि भाई पूरा दुनिया जो मास है वो सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है और इलेक्ट्रॉन की वजह से वॉल्यूम है। अब देखना, पूरा का पूरा एटम खोखला है, देखना, एक अगर न्यूक्लियस पर हम जगह दिए तो एटम कितना बड़ा है, 1,00,000 गुना बड़ा है। 1,00,000 गुना इतना बड़ा होता है कि हम इस बोर्ड में नहीं बना सकते। ये न्यूक्लियस जो एकदम पॉइंट के बराबर होगा, ऐसे इसका साइज है
टू द पावर -15 मीटर, तो ये जो रेडियस है कैपिटल आर, ये स्मॉल आर इसका रेडियस है, कैपिटल आर का वैल्यू है 10 to the power -10 मीटर। और पूरा का पूरा मास, मास तो कहाँ है, ये न्यूक्लियस है ना, पता है तुमको एटम में, एटम में न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन। और जो पूरा पैसा लगा रहा है वो जगह ले रहा है 10 to the power -15, और जो कुछ पैसा नहीं लगा रहा है वो जगह ले रहा है कितना, 10 to the power -10। 1 लाख गुना, 1 लाख गुना बड़ा है एटम किसके तुलना में, पूरा खोखला है। ऐसा पार्ट क्या है, पूरा खोखला पार्ट है एकदम से, इसे एकदम से वैकेंट स्पेस है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड दैट एटम इज एम्प्टी। और 1 लाख गुना का क्या मतलब होता है जरा समझो, 1 लाख गुना का मतलब क्या होता है जरा समझना। मान लो कि हमने एक छोटा सा बॉल लिया, तो फुटबॉल ले लेते हैं, फुटबॉल कितना रहता होगा, 1 फीट रहता होगा ऐसे समझे, तो आधा फीट ले लेते हैं, आधा फीट का मतलब हो गया कितना, 6 इंच, 6 इंच का मतलब हो गया 15 सेंटीमीटर। ये अगर 15 सेंटीमीटर है तो इस 15 सेंटीमीटर से 1 लाख गुना कितना होगा, 15 सेंटीमीटर गुना 1 लाख मीटर में कर लेते हैं तो 0.15 into कितना मीटर, 15 into कितना, 1000 मीटर, 15 किलोमीटर। ठीक है, एक फुटबॉल के सामने 15 किलोमीटर, और समझ रहे हैं, एक फुटबॉल के सामने 15 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर समझ रहा है, पूरा पटना का रेडियस इतना बड़ा बनाएंगे तो पूरा पटना का रेडियस जो है 15 किलोमीटर, पटना कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ सगुना में होगा 12 किलोमीटर, और थोड़ा दूर चल जाओ दानापुर आर्मी कैंट चल जाओ, यहाँ से आर्मी कैंट और इधर चल जाओ छतुआ, 15 किलोमीटर रेडियस में ऐसे गोला बनाएंगे, कितना बड़ा गोला होगा एटम, और उसके अंदर पूरा जो मास भरा हुआ है वो कहाँ भरा हुआ है, एक फुटबॉल में। अरे समझ में आ रहा है तुमको, चलो एक और कंपेरिजन करते तो समझ में आएगा। धरती में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अरे ही है, धरती में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। अर्थ, अर्थ का जो मास है वो 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम होता है, और अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6 to 400 किलोमीटर। ये मास किसके वजह से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, और ये मास कहाँ है, न्यूक्लियस में। तो कहते हैं कि अर्थ का रेडियस अगर 6400 किलोमीटर है, ये मान लो हमने अर्थ को इतना बड़ा बनाया 6400 किलोमीटर, हम देखते हैं कि इसे 1 लाख गुना छोटा, 1 लाख गुना छोटा, 6400 में 1 लाख से डिवाइड करते हैं और किलोमीटर को मीटर में बदल दें, 64 मीटर, एक छोटा सा आएगा कितना, 64 मीटर। अर्थ के पूरे इलेक्ट्रॉन को स्नैच करके उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो था उसको अगर मिलकर एक बंडल बनाया जाए तो अर्थ किस किस साइज का आ जाएगा, 64 मीटर, गोल घर के बराबर, और क्यों,
अर्थ का पूरा मास जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में है वो गोल घर के बराबर है, पर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अर्थ गोल घर से 1 लाख गुना बड़ा है, जिससे इस धरती पे यहाँ से दिल्ली है 1,000 किलोमीटर, अमेरिका भी इतना बड़ा समुद्र है, समझ रहे हैं। तो कुल मिला के तुमको हम क्या कहना चाह रहे हैं, कुल मिला के हम कहना चाह रहे हैं कि कहीं पे भी मास है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से, और जो वॉल्यूम है तो है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन है कि किसी को आगे फुला देता है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकदम बहुत छोटे से जगह पे है, जैसे हम देखना हम तुमको बता रहे हैं, जैसे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या क्या है हाइड्रोजन एटम के अंदर, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। जब तक केवल प्रोटॉन था, केवल प्रोटॉन था तो उसका रेडियस था 10^-10^-10 मीटर, गलत, 10^-15 मीटर, है कि नहीं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने उसको आके घेरा लगा दिया, कितना बड़ा हो गया है, 10^-10 मीटर के आसपास हो जाता है। वैसे एग्जैक्टली है 0.5 × 10^-10 मीटर होता है। ये पूरा का पूरा जगह किसने क्रिएट किया, इलेक्ट्रॉन ने। तो वॉल्यूम यहाँ पे बहुत छोटा था, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया। तभी तुम्हें एक बात समझना है कि जो मास है वो तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके बना है, और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के लगभग बराबर है, इसी को बोलेंगे फंडामेंटल मास। क्या फंडामेंटल मास बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन एग्जैक्टली नहीं होता, लगभग होता है, अभी हम समझेंगे लगभग और एग्जैक्टली का क्या मतलब है। देखना, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन होता है कितना, 1.672×10^-24 ग्राम, किलोग्राम में लिखेंगे तो 10^-27 किलोग्राम होगा ना। मास ऑफ न्यूट्रॉन ये है थोड़ा सा 1.674×10^-24 ग्राम, ऐसे ही होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जिसे कहते हैं एएमयू।
ये होता है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखे तो होता है 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम, ये भी होता है 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम, और ये भी होता है 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम। जो भी डिफरेंस है आगे के डिजिट में डिफरेंस दिख रहा है। तो देखो हम एक पॉइंट पे लैंड किए, कुछ भी ले लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लेवल पे जैसा हम है वैसा ये बेंच भी है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लेवल पे जैसा हम है वैसा ही पहाड़ भी है, वैसा ही पानी भी है, सब कुछ वैसा ही है। और मास बना है किससे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। उसमें भी इलेक्ट्रॉन का मास कंट्रीब्यूशन कितना है? जीरो। हम और तुम पार्टी पे गए, तुम 10 रुपये अपने जेब में लेके घूम रहे हो और मेरे पास है 20,000 रुपये। अब किसी होटल में किसी प्लान बनाएंगे तो हम 20,000 प्लस 10 रुपये जोड़ेंगे, खाली 20,000 जोड़ेंगे, 20,000 जोड़ेंगे। तुम बोले मेरे पास भी है पैसा, तो कितना? 10 रुपया है ना। इस 20,000 के साथ 10,000 थोड़ा छोटा लग रहा है, तो सकते तुम्हारी मम्मी ने तुमको 100 रुपया दे दिया, मेरे पास 2 लाख है, हमको कहीं जाना है, टिकट कटवाना है, क्या करना है, लीजिए लीजिए मेरे पास भी 100 रुपये है। हम क्या करेंगे 100 रुपये का? बोले रखो बेटा तुम और 100 रुपये मुझसे ले लो। 2 लाख के सामने क्या हैसियत है 100 रुपये का, समझ रहे हो? तो ऐसा ही हैसियत है इलेक्ट्रॉन का किसके सामने? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने मास में। लेकिन वॉल्यूम में, वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन खूब जगह बनाता है, एरिया घेरता है एकदम। प्रोटॉन यहाँ पे मास है तो इलेक्ट्रॉन पूरा बड़ा घेरा बना के उस जगह में किसी को घुसने नहीं देगा। ऐसे करके एटम का फॉर्मेशन होता है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल से सारा मैटर बनता है। तुम इस बात तुमको समझ में आ गया होगा कि मैटर पूरा खोखला है, वैसा ही खोखला है जैसे अपना सोलर सिस्टम खोखला है। अपने सोलर सिस्टम में क्या है? खोखला है सब। सूरज एक बीच में है और बाकी प्लैनेट्स अपना घूम रहा है, खाली खाली जगह है। वैसे ही सन की जगह प्रोटॉन न्यूट्रॉन को रख दो और बाकी इलेक्ट्रॉन की जगह प्लैनेट्स को रख दो। कहते हैं किसी भी एटम में 99% मास उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में, और 1% से भी कम मास के फॉर्म में होता है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। 1% से भी बहुत कम, 2000 गुना कितना हुआ? 2000 गुना टाइप का हुआ ना। 100 में एक होता तो 1%, 1000 में 1 तो कितना हो गया? 0.1%। 2000 में 1 है तो 0.2%। 2000 में 1 कितना हो गया? 0.2%।
तो पूरे सोलर सिस्टम का भी एटम के अंदर भी केवल 0.2% मास इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है, 99.8% मास किसके फॉर्म में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में। और एग्जैक्टली यही कैलकुलेशन सोलर सिस्टम में भी है। तो जरा कैलकुलेट करके देखना, सूरज का जो मास है वो पूरे सोलर सिस्टम के मास का 99% से भी ज्यादा उसके अंदर है, बाकी 1 आधे% है उससे भी छोटा मास में सारा धरती, मंगल, सारे प्लैनेट्स है। समझ रहे हैं? तो एक तरीके से बोला जा सकता है कि अपना सोलर सिस्टम भी बड़े लेवल पे एक एटम हुआ जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहे हैं। अरे 8 प्लैनेट चक्कर मार रहा है ना, 8 प्लैनेट के अलावा भी कई चीज चक्कर मारता रहता है, स्क्वायर चक्कर मारता रहता है। वैसे किसको पता कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चीज है वो चक्कर मार रहा हो? समझ रहे हैं? ऐसे साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया। हम तुमको कुल मिला के बताना चाहते हैं कि ये प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से थोड़ा बड़ा अलग है, एकदम थोड़ा, समझ रहे हो? 2 और 4 का फर्क है, एटॉमिक मास यूनिट और भी फर्क हो गया। क्यों ऐसा हो गया समझना? अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन तुमको खुले में तो मिलेगा नहीं, किसे मिलेगा? एटम के फॉर्म में मिलेगा। तो क्या करते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए साइंटिस्ट एक कैलकुलेशन करते हैं, एएमयू बोलते हैं। तो कहते हैं मास ऑफ कार्बन 12 में 12 से डिवाइड कर दो तो वही आएगा जो मास ऑफ प्रोटॉन है या मास ऑफ न्यूट्रॉन है। क्यों? देखो कार्बन 12 में क्या होता है, 6 × मास ऑफ प्रोटॉन होता है कि नहीं, प्लस 6 × मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, 6 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 12 से डिवाइड कर रहे हैं। अरे इलेक्ट्रॉन का मास तो ऐसे ही लगभग 0 हो गया ना इसके सामने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सामने, तो क्या हो गया? K बाहर ले लो, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय 12, तो कितना हो गया? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय 2 तो नहीं हो गया एवरेज ऑफ प्रोटॉन का मास या फिर न्यूट्रॉन का मास। लेकिन एक बात होता है, जब एटम बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस में आता है तो बहुत तगड़ा फोर्स एग्जिस्ट करने लग जाता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है जिसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। सुना है क्या? तो न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्टेंस में आया तो यहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होने से मास भी चेंज हो जाता है। किस फॉर्मूला से? E=mc²। तो कहते हैं कि कार्बन 12 जब बना होगा तो इसका मास 6 प्रोटॉन का मास, 6 न्यूट्रॉन का मास और 6 इलेक्ट्रॉन के मास के सम से थोड़ा कम रहा होगा, क्योंकि जिसके बनने में एनर्जी रिलीज हो गया होगा। और यही वाला वैल्यू एग्जैक्टली आता है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, बहुत क्लोज है इसके। और यही से आप फंडामेंटल मास को एएमयू से लिखने लग जाते हैं। तो आपके बाद हम लोग क्या कहेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन लिखें चाहे मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखें, तो सब को बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। डाल्टन ने बताया था इसलिए इसको 1 डाल्टन भी कहते हैं, 1 डाल्टन को 1D बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1 AMU = 1/12 × mass of carbon 12 और 1.66 × 10⁻² ग्राम।
देखना इससे क्या फायदा है। जैसे मान लो कि हम तुमसे पूछे कि मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन बताना है, तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे मुझे बता दीजिए कि ऑक्सीजन एटम जो होगा वो तो किससे बना होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही ना। तो आप मुझे बता दीजिए इसमें प्रोटॉन कितना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर बोलते हैं क्या? और ये होता है 8। मुझे भी बता दीजिए कि न्यूट्रॉन कितना है। तो एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इसका वैल्यू है 16। इससे निकल जाए कि न्यूट्रॉन भी कितना है 8 है। इलेक्ट्रॉन से हमको कोई मतलब नहीं, हर प्रोटॉन का मास को 1 AMU बोलते हैं, हर न्यूट्रॉन का मास को 1 AMU बोलते हैं, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 8 नहीं होगा, 8 AMU तो होगा प्रोटॉन की वजह से और 8 AMU होगा न्यूट्रॉन की वजह से, तो कितना आ जाएगा? 16 है होंगे। तुम ये भी कह सकते हो कि ठीक है 16 AMU है, लेकिन हमको AMU मिले जो हमको ग्राम में चाहिए, हम जरा वजन करके देखना चाहते हैं। तो वन ऑक्सीजन आइटम अगर है हमारे पास, वन ऑक्सीजन एटम है तो 16 AMU है, और AMU का वैल्यू तो हम जानते हैं कितना, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, 16 × 6 = 96, 16 × 6 = 96 और 9 कितना होगा 105, 10, 16 और 10 = 26, 26.56 × 10⁻²⁴ ग्राम, 2.656 × 10⁻²⁴ ग्राम। ये मास ज्यादा है कि कम है? बहुत कम है ना। हम तुमसे फिर ये पूछ दिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कि 16 AMU अगर है तो इसमें 1 एटम है, ये ना कहोगे? और 16 AMU को तुम 16 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम लिखोगे, इसमें 1 एटम है। 1 ग्राम में कितना एटम है? 1 / 16 × 1.66 × 10⁻²⁴ एटम है, तो 10 ग्राम में 10 की जगह अच्छा एटम 16 ले लेते, 16 16 कट जाएगा, तो 16 ग्राम में कितना होगा बताओ तो? 1 × 16 / 16 × 1.66 − 24, 16 से 16 चला गया, ये वैल्यू आया 1 / 1.66 × 10⁻²⁴ एटम। और उसको आगे कैलकुलेट करोगे तो 10 / 1.66 कर दो और 10⁻²⁴ कर दो तो आएगा 6.022 × 10⁻²³ आइटम, क्योंकि बहुत लार्ज संख्या है। ऑक्सीजन एटम था, ऑक्सीजन एटम था
उसकी पहचान थी जेड, और जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 8 था, पहचान था मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और था 16। हमने कहा मास ऑफ वन एटम, तो तुम बहुत आसानी से बोल दिए कि इसके अंदर 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो 16 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। हर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अगर 1 AMU है तो टोटल मास कितना हो गया 16 AMU। अगर ग्राम में पूछा जाए तो AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इतना छोटा मास तो हमारे संपर्क में आएगा नहीं, ना वजन कर सकते ना मैसेज कर सकते हैं। तुमसे कोई पूछेगा 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने आइटम थे, नंबर ऑफ आइटम आया कितना, 1/1.66×10⁻²। और ये संख्या आता है 6.022, 6.022×10⁻², आइटम, जो कि बहुत बड़ा है। इसी को बोलते हैं 1 मोल, और इसी को बोलते हैं वो गड्रोज नंबर। तो दुनिया में हर मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास संयोग से बराबर है। देख रहे हैं कैसा संयोग चल रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मजे की बात यह है ना कि मजे की बात यह है, समझना, कि जो प्रोटॉन है ना, अरे बातचीत मत करो, कौन बात कर रहा है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो न्यूट्रल बनेगा क्या, अरे न्यूट्रॉन है। इसके मास के सामने इसका मास तो कुछ था नहीं, इसका मास अगर m था तो इसका मास क्या था इसके सामने 0, तो इसका मास भी क्या रह जाएगा, एम लगेगा में थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ता भी देखो ना। हाँ पॉइंट इसका था कितना मास, इसका मास था 1.66
670 था और इसका 1.674 इंटू 10 to the power -24, 10 to the power -24 छोटा सा बल्क आ गया उसकी वजह से। समझ गया क्या? बेसिकली न्यूट्रॉन कुछ खास नहीं है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बन जाता है? न्यूट्रॉन बन जाता है। और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कुछ था नहीं, तो इसलिए मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन क्या रहता है? बराबर रहता है। तो दुनिया में जो भी मास है वो तो किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से, या कहो तो न्यूट्रॉन की वजह से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का मास तो बराबर है, लेकिन जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके जब एक न्यूक्लियस बनाता है तो बहुत बड़ी घटना होती है। इस घटना को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर पावर प्लांट सुना है? बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो हम तुमने रखा 1 kg प्रोटॉन, 1 kg न्यूट्रॉन और दोनों को मिला के बनाया, तो 2 kg नहीं बनेगा, 2 kg से थोड़ा कम बनेगा। कितना कम बनेगा? जो कम बनेगा उसी के हिसाब से एमसी स्क्वायर एनर्जी रिलीज होगा। हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना इसमें, न्यूक्लियर में न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत खतरनाक होता है। कितना छोटा सा रहेगा और छोड़ देगा कुछ भी। तो कहते हैं कि जब हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग वजन किया तो आया मास 1.67 × 10 to the power -24। और जब हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कार्बन 12 में देखा, ऑक्सीजन में भी देख सकते थे, ऑक्सीजन में देखते थे 12, 16 प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से 16 से डिवाइड करते तो 1 एमु आता। पर पूरी दुनिया में वैल्यू अलग 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 है, उसके लिए सबने मिलकर साइंटिस्टों ने उसको स्टैंडर्डाइज किया। और स्टैंडर्डाइज कहाँ पे किया? कार्बन पे। कार्बन 12 के मास में 12 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आता है वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हम लोग वैल्यू लेंगे, उसी को फंडामेंटल मास, उसी को एमु बोलेंगे। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एग्जैक्टली 12 एमए होगा, लेकिन मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 16 एमए होगा। समझ गए? अप्रोक्सीमेटली 16 एमए, जिसमें थोड़ा हल्का फुल्का एरर के साथ 16 एमए का कैलकुलेशन सही है। तब तो हम लोग ये कहेंगे कि चाहे प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है उसी से मास बना है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को हम लोग फंडामेंटल मास कहेंगे और एमए कहेंगे। और किसी भी आइटम का एक आइटम का मास निकालना है तो हम बोले कितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बोलेगा 50, हम बोलेंगे इसका मास 50 एमए होगा। ग्राम में करना होगा तो 1.66 × 10^24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बात तय हो गया क्या कि किसी भी एलिमेंट के एक आइटम का मास कितना होगा और किसी एलिमेंट के इतने मास में कितना आइटम होगा निकाल सकते हैं। हम लोग पढ़े थे मोल पढ़े थे, ये पढ़े थे क्या? देखो तो वैसे बोल रहे हैं कि कोई भी एटम है, मान लो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एलिमेंट, एलिमेंट हमने लिख लिया ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, इसमें लिख रहे हैं एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का होता है 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, कैल्शियम का 40, जिंक का 65, कॉपर का 63। तुमसे हम पूछना चाहते हैं मास ऑफ वन एटम,
तुम क्या कहोगे? इसका 16 AM का होगा और क्या। अरे 16 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, हर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कितना था? 1 AM। इसको क्या कहोगे? 23 AMU, 24 AMU। जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन उतना ही AMU। लेकिन हम लोग इतना छोटा मास है कि ये सब हैंडल नहीं कर पाते। हम लोग बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम, और उसी को बोलते हैं मोलर मास। क्या होगा इसको बताओ? 16 ग्राम होगा, इसका 23 ग्राम होगा, इसका 24 ग्राम होगा, 27 ग्राम, 40 ग्राम, 65 ग्राम, 63 ग्राम। तो बेसिकली हमने अपने सहूलियत के हिसाब से मोल में कन्वर्ट कर लिया। जैसे मान लो कि हमसे कोई पूछे, जैसे हमसे कोई पूछेगा कि हम बाजार से 4 किलोग्राम एल्यूमिनियम खरीद के ले आए, तो एल्यूमिनियम में है क्या? एल्यूमिनियम एटम्स ही तो है, और एक एटम का मास कितना है? मास ऑफ 1 एटम 27 AMU। लेकिन 27 AMU तो बहुत छोटा होता है। हम बात करेंगे मोलर मास। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा? 27 ग्राम। तो 27 ग्राम में 1 मोल है, तो इतने ग्राम में हम लोग मोल नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? 4 किलोग्राम में हो जाएगा 4000 ग्राम। और अब हम यूनिटी में फिर लगा देंगे, 27 ग्राम में 1 मोल है, तो इतने ग्राम में कितना मोल होगा? 27 से डिवाइड करना पड़ेगा क्या? 4000 डिवाइड बाई 27 मोल कितना होगा बताओ? डिवाइड कर देंगे 27 से 1, 27 हो गया, कितना बचा? 13, 130। 130 तो कितना हो गया? 5 नहीं 4, 80 और 28, 108। 108 बच गया कितना? 130 में से 8 गया, 22 बच गया, तो 220। 220 तो कितना हो गया? 8 गुना होगा क्या? 116 और 56, 160 और 56, 216, 216 अर्थात 220 कितना हो गया? 8 और 0 183, 148.3 मोल हो जाएगा। और मोल तो समझ रहे हो ना, मोल का वैल्यू क्या था? 6.022 10 to the power 23 एटम। ऐसे हम मोल कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं मोल का? क्योंकि डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम में मरता है ना, पैदा होता है। तो मान लो कि हम कहीं ट्रिप पे गए 50 लोग बस से, अब ट्रिप खत्म हुआ, जानते में काउंट करेंगे नहीं 50 लोग आए कि नहीं आए? 50 में से एक भी बुक हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। 50 कभी अकाउंट हो नहीं सकता, अकाउंट भी पहचान लगा कौन कौन आ गया बाहरी आदमी। और 50 से अगर 49 हो गया तो हल्का मच जाएगा, जिसके घर का आदमी गायब हुआ होगा तुमको छोड़ेगा? वैसे ही एटम जितना शुरुआती में था उतना ही एटम हम बाद में भी ढूंढ लेंगे। हम बैलेंस करते हुए नहीं देखे थे, लेफ्ट हैंड साइड में भी एटम था, वही राइट हैंड साइड में ढूंढते थे, तो वैसे ही काउंट करना हम लोग सीख जाएंगे। एटम आर कंजर्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। हाउ मेनी एटम्स आर देयर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मास में उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। पूछे कि हमारे पास
क्वाइन है। हाँ एक क्वाइन है लोहे का, उसका वजन है 10 ग्राम। काउंट करके बताइए कि नंबर ऑफ आयरन एटम्स इसमें कितना होगा। ये भी काउंट करके बताइए कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। ये भी काउंट करके बताइए कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। और ये भी काउंट करके बताइए कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। जानकारी के लिए बता दें आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, एटॉमिक मास 56 होता है। 10 ग्राम इसका सिक्के का वजन, हम सब निकाल सकते हैं इसमें। कैसे? एक एटम का मास पता है कितना, 56 AU। और एक मोल, अब एक एटम में बात नहीं करते, एटम बहुत छोटा है। जैसे पैसा गिनना उन्ना हो तो 1 रुपया 2 रुपये थोड़ी बात करते हैं, लाख में बात करते हैं, करोड़ में बात करते हैं। वैसे यहाँ किसमें बात करते हैं, मोल में बात करते हैं। समझ में आया? काउंट करके हिसाब से कितना मोल एटम थे, और मोल में एक कैलकुलेशन आ गया तो फिर हम मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काउंट संख्या निकल जाएगा। हम जानते हैं कि आयरन में 56 ग्राम में क्या होता है, 1 मोल होता है। 1 मोल मतलब 6 × 10³ एटम। तो 10 ग्राम में कितना मोल होगा, 10 को 56 से डिवाइड कर देंगे, इतना मोल हो जाएगा। और क्या, ये कितना हो गया, 5 / 28। 5 / 28 कितना हो गया, 0.1। कितना, 5 मोल हो गया। कितना, जो भी आएगा 1.5। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकाल दोगे क्या, एक एटम में कितने प्रोटॉन है, 26 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितना है, वो भी 26 है। और न्यूट्रॉन कितना है, 30 है। नहीं निकल जाएगा सर, तो हम सारा कैलकुलेशन सीख सकते हैं, बना सकते हैं। फिर अपने बॉडी में कोई तुमसे पूछो, तुम्हारे बॉडी में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, निकालो तो कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन
कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन अ ह्यूमन बॉडी, इन अ ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 60 किलोग्राम। क्या होगा 60,000 मोल्स होगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन का मास अगर 1 AMU है, तो 1 मोल प्रोटॉन का मास कितना होगा? 1 ग्राम। होगा कि नहीं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1 AMU है ना, 1 मोल का मास कितना होगा? 1 ग्राम। तो 60 kg में कितना ग्राम होगा? 60,000 ग्राम होगा। 60,000 मोल्स होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तुम्हारे बॉडी में, और 60,000 मोल्स को अगर नंबर पूछा जाए तो 60,000 में 6.02×10^23 कर देंगे, इतने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे बॉडी में है। इसी की वजह से हमारा मास कितना है? 60 किलोग्राम है। समझ में आया क्या? ये मोल कॉन्सेप्ट है, बहुत बार इस्तेमाल होगा। मास में कितना मोल, मोल में कितना मास, इस तरीके के केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है। समझ गया? तो अगले क्लास में और पढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स, और फिर उसमें बहुत सारा सवाल करेंगे।